आज 31 जुलाई को कार्यालय राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष अकादमी डॉक्टर हुसैन रजा खान ने बताया कि मौजूदा अकादमी कार्यकारिणी का गठन राज्य सरकार ने दिनांक 22/8/2022 को किया था। वर्तमान अकादमी ने अब तक अकादमी के द्वारा आयोजित किए गए कामों का ब्यौरा दिया और बताया कि अकादमी ने अमृत महोत्सव के अंतर्गत सैयद अहमद खान के जन्मदिवस 17 अक्टूबर के मौके पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया एवं दिनांक 9 नवंबर 2022 को प्रसिद्ध शायर अल्लामा इकबाल के जन्मदिवस के अवसर पर 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस मनाया गया। जोधपुर व टोंक में अखिल भारतीय मुशायरों का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता में काफ़ी सारे बातें उनके द्वारा कही। वर्किंग कमेटी में यह हमने पूरा डिसाइड किया और इसका अधिकार हमें साधारण सभा जो थी हमारी जनरल काउंसिल थी उसने हमें दिया और उसी तरह जो कुछ भी हमें दिया अधिकार उसकी हिफाजत करते हुए हमने सारी करने की कोशिश की है। तो इसमें हाँ एक और खास बात मैं आपके सामने जोड़ रहा था इसके अंदर न सिर्फ ये बल्कि हमने कोशिश की है कि उर्दू का एक ऐसा स्कॉलर जिसने बैनुल अक्वामी सतह पर जिसने अंतर्राष्ट्रीय सतह के ऊपर उर्दू का नाम रोशन किया हो जो बैनुल अक्वामी सतह पर बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता हो तो एक फेलोशिप भी हमने मतलब पहली मर्तबा राजस्थान उर्दू एकेडमी ने कोशिश की है कि एक फेलोशिप भी दी जाए और ये फेलोशिप पहली मर्तबा जो हम दे रहे हैं कि ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा नाम उर्दू का आइकन हमारे साथ है और बैनुल अक्वामी शोहरत चाहे नसर का मैदान हो नज़्म का मैदान हो चाहे सेमिनार हो चाहे मुशायरे हों और एक वो नाम हमारे सामने जो पहला जो हमने स्कॉलरशिप उर्दू की दी है वो फेलोशिप दी है वो शीन काफ निज़ाम जिनका ताल्लुक जोधपुर से है और अभी राजस्थान सरकार को भी सरकार ने भी जिनको राजस्थान रतन से नवाजा है तो हमारी ये अखलाकी जिम्मेदारी थी कि हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ करें और हमने बिन जुमला राय से ये कोशिश की है कि पूरा एक कंपोजिट कल्चर की पहचान हमारे शीन काफ निज़ाम उनको हमने ये पहली मर्तबा ये फेलोशिप जो है उनका ऐलान किया है। महमूद शिरानी अवार्ड जो हमारा प्रेस्टिजियस अवार्ड है बड़ा अवार्ड है जो इस तौर पे दिया जाता है कि मतलब मजमू एतबार से कलेक्टिवली प्रोस और पोइट्री इन दोनों में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उसमें जो एक इनाम तो हम दे चुके थे 2022 का पहले हमारा इरादा ये था कि 2 साल के देना है फिर ये हुआ कि 3 साल का देना है तो जब 3 साल का देना है तो हम 2021 में पढ़े तो 2021 में जो नाम है वो मुख्तार टोकी का है 2022 में जो नाम है वो प्रोफेसर अरशद अब्दुल हमीद हैं और 2023 के अंदर जो नाम है वो कोटा में एक बहुत बुज़ुर्ग प्रोफेसर एहतशाम अख्तर पाशा उनका नाम है नामी है ये जो ये हमारे अवार्ड हैं उनको दिए गए हैं। अख्तर शिरानी अवार्ड जो सिर्फ शायरी के ऊपर दिया जाता है तो 2022 का तो हम दे चुके ये आदिल रज़ा मंसूरी जिनकी कुछ बहुत सारी किताबें हमारे सामने हैं और जो 2021 का अवार्ड है ये जाकिर अदीब जो बीकानेर के एक शायर हैं उनको दिया जा रहा है और जनाब सैयद फजल मतीन मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है कि ये हमारी मीटिंग पहले हो चुकी थी फजल मतीन साहब का हम नाम रख चुके थे अजमेर के अंदर और वो सब डिसाइड हो चुका था लेकिन ये हमारी बदकिस्मती कहिए कि हम उनका नाम उन तक पहुँचाने से पहले वो मतलब जो है हमसे विदा हो गए और हमको छोड़कर चले गए अभी एक हफ्ते पहले ही उनका इंतकाल हुआ है लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ये नाम हम दे चुके थे तो हम उनके किसी भी परिवार के उसके उनके ख़ानदान के फजल मतीन जनाब सैयद फजल मतीन साहब हाँ अख्तर शिरानी